हिंदू पंचांग के मुताबिक प्रत्येक वर्ष आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को देव उठानी एकादशी का पर्व मनाया जाता है। धार्मिक मान्यता के मुताबिक इस दिन क्षीर सागर में भगवान श्री हरि विष्णु शयन करने जाते हैं। इस दिन जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु 4 महीने तक सायंकाल में रहते हैं, जिसके बाद सृष्टि की देखभाल भगवान भोलेनाथ करते हैं। भगवान विष्णु के सायंकाल से लेकर जगाने तक के समय को चतुर्मास के नाम से जाना जाता है। धार्मिक दृष्टि से इस समय भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना करने का विधान है, लेकिन इसी बीच किसी भी तरह के शुभ अथवा मांगलिक कार्य करना वर्जित माना जाता है। तो चलिए आज हम आपको इस रिपोर्ट में बताते हैं कि कब से शुरू हो रहा चतुर्मास और भूलकर इस दरमियान कुछ कार्य नहीं करने चाहिए। दरअसल अयोध्या के ज्योतिष पंडित कल्किराम बताते हैं कि इस वर्ष चतुर्मास की शुरुआत 17 जुलाई से हो रहा है, जिसका समापन कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की देव उठानी एकादशी यानी कि 12 नवंबर को होगा। चतुर्मास के 3-4 महीने के दौरान भूलकर भी तामसी भोजन जैसे मांस मछली अंडा प्याज लहसुन का सेवन नहीं करना चाहिए।